में ये सब लोग एक एक दो दो इको ही लेंगे, तो ये देखिए कितनी लाइन साफी हो रही है सब। ये एक देश की, एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश। बट और क्या इस हो सकता है स्टूडेंट के साथ, धक्के मुक्की, पैर धरना, या फिर नींद का, या भूख का? थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। हाँ, हम सब लोग मीडियम परिवार से गरीब आते हैं। परिवार, मीडियम परिवार के ही बंदे आते हैं। ये वो सी ओपन रैली पुणे में। अच्छा, उधर उधर ओपन रैली में मैं फर्स्ट आया था, किताब 5-10 में मारा था। अरे, इधर टॉप वॉच पहन के नहीं दौड़ने देता है? स्टॉप वॉच भले ही ना पहन के दौड़ने दे, पर टाइम तो पूरा निकाल ले हमारे स्टॉप वॉच, क्योंकि उसको क्या लग पता कि वो हम उसके पोल खोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार, और ये इंटरव्यू कुछ खास होने वाला है, क्योंकि बंदे सब कुछ एजुकेटेड हैं और आप लोग को बताएंगे भी। और सभी बंदे भर्ती देख कर आए हैं, थोड़ा सा आप भी बता दें, दिखा दें। ये सभी बंदे, ये क्या देखिए, सबका रेड है, इससे ये पता चलता है। और ये ग्राउंड से भी आया, इसमें देखिए दो तरह का पहचान है इसमें। ग्राउंड वाले देखिए, जिसके इसमें ये दाग लगा रहेगा वो ग्राउंड से आया। ये वाला रेड वाला कोई भी बाहर हो सकता है, लेकिन ये जिसमें रहेगा ना, ये वाला भाई आप भी दिखा दो, ये अंगूठा वाला दाग वो ग्राउंड से आया है, मतलब रनिंग में फेल हुआ है, रनिंग में बाहर हुआ है। अब बताएंगे भाई साहब ने क्या टाइमिंग आ रहा था, कितने बंदे लिए, एक ही ग्रुप के हैं कि अलग अलग के हैं, और कितने बजे इनका रनिंग हुआ, धूप में हुआ कि पहले हुआ, सूज में किया या सूज खुलवा रहा है, वो पीछे मुर्गो, डॉक्यूमेंट, हर चीज़ बताएंगे आप लोगों को। बट इनके बातों का फॉलो करें, अन्यथा फिर यहाँ आने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग कुछ देखेंगे नहीं, थोड़ा सा देखते हैं, कट करके हटा देते हैं। आप लोग कमेंट कर देते हैं, मैं कमेंट उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, आप लोग देखेंगे तो हर सवालों का जवाब मिलते जाता है। भाई साहब, आप लोग को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमें समय दिए इंटरव्यू के लिए। जी, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? जहीन, मैं गुजरात से आया हूँ, सब हम गुजरात से आए हैं। अच्छा अच्छा जी, तो गुजरात से आए हैं, कितने बजे एंट्री लिए थे आप? हमने एंट्री 2 बजे से यहाँ आ गए थे, और उन लोगों ने 5 बजे एंट्री शुरू की। हाँ। उनके बाद 6 बजे तक एंट्री रखी, हमें कहा कि 5 बजे तक ही है, पर 6 बजे तक एंट्री चालू थी। हम यहाँ पर ही ऐसे ही पड़े रहे थे, और हमारी रनिंग 12 बजे हुई, ऐसे ही बिठा कर रखा। 12 बजे दोपहर में? दोपहर में 12 बजे रनिंग होगी। आप अपने अभी करंट टाइम देख लो कितने बजे है। अच्छा, अभी हम ग्राउंड से अभी 1 बज रहा है, 1 बजे अभी वो आके छोड़ गए हम यहाँ पर। एक घंटा हुआ छोड़ने से। अच्छा अच्छा, तो फिर धूप में, चिलचिली धूप में, या जैसे चिलचिली धूप में, और ग्राउंड भी गलत है, 400 का ट्रैक होना चाहिए, उसकी जगह से 600 का ग्राउंड है, और 2 चक्कर पूरे और 1 आधा लगाना है। कंफ्यूज कर जा रहे हैं, कंफ्यूज वो एंड टाइम पे बताते हैं, तो हम क्या एंड टाइम पे जज नहीं कर पाते ना, जज नहीं कर, क्योंकि आप लोग का तैयारी है 4 राउंड, 4 राउंड, 4 राउंड का है, और धूल वाला ग्राउंड है, आप हमारा पैर अंदर घुस जाता है। अच्छा अच्छा, किसने बोल रहे थे, तो कंक्रीट सब भी दिख रहा है? हाँ, कंक्रीट और धूल वगैरह सब कुछ मिक्स है, 100 मीटर में कंक्रीट है, 100 मीटर में वो मिट्टी वगैरह, सब अलग अलग ग्राउंड है। कितने बंदे लिए आपने? मेरे में तो सिर्फ 4 ही बंदे लिए। 4 बंदे? 4 बंदे आपने भाई? मेरे में सिर्फ 2 बंदे लिए है। हाँ। और टाइमिंग बहुत कम देते है, टाइमिंग में बहुत पता ही नहीं चल पाता है कितना दिया। नहीं, टाइमिंग मेरे को लगता है टाइमिंग ये पूरा देते ही नहीं है। टाइमिंग हमारा 5:45 का है, और ये इन लोगों ने पहले जो 2 बंदे आ गए उसके बाद सब खत्म कर देते हैं, देते नहीं है टाइम। अच्छा, टाइम नहीं देते, और ये इन लोग को सुधारना चाहिए। बहुत टाइम देना चाहिए, हम लोग भी मेहनत करते हैं, जितने बंदे आए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। स्टॉप वॉच पहन के नहीं दौड़ने देता है? स्टॉप वॉच भले ही ना पहन के दौड़ने दे, पर टाइम तो पूरा निकाल ले हमारे स्टॉप वॉच, क्योंकि उसको क्या लग पता कि वो हम उसके पोल खोल दे। हाँ, इसलिए कुछ घड़ी वगैरह कुछ नहीं, धागा धुगा कुछ नहीं पहनने देते वो लोग। अच्छा, हमको भी अलग बोला, हमको ऐसा बोला कि आप लोगों में से जो 7 बंदे तो कम से कम हम लेंगे ही, और टाइम भी पूरा देंगे, ऐसा बोला। टाइम की कोई कमी नहीं होगी, पर जब हमने दौड़ा तो 2 बंदे को ही लिया सिर्फ, दो ही बंदे बोला। हमने बोला कि आप तो 7 का बोल रहे, तो कैसा नहीं कि टाइम हो गया, जबकि टाइम भी नहीं हुआ था। आपने भाई साहब? हमारे राउंड में भी दो बंदों को ही लिया है, तो इसमें से एक बंदा तो वापस भी गया केसीओ के पास, सर हमारा टाइम भी आता है, सब आता है, फिर भी हमको क्यों फेल किया, वो कंप्लेंट भी की, फिर भी किसी ने नहीं सुनी। नहीं, वो जो बाहर हो गया भाई वो सुनेगा नहीं, क्योंकि आप रनिंग रस्से के अंदर आएंगे तभी मानेगा, अन्यथा फिर उस आपका कुछ भी टाइम आए 3 मिनट में ग्राउंड में लगाते हो उससे कोई मतलब नहीं। इनका एज 13+ है। हाँ। और इनका अलग रूल होता है। हाँ। 6:30 टाइम होता है, फिर इनको भी नहीं दिया, इसी में 5 मिनट में खत्म कर दिया। अच्छा, इसी में रनिंग करवा दिया आपका? नहीं नहीं, रनिंग अलग से, टाइम उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया, उतना टाइम नहीं दिया। आपने कितना लिया थे? बंदे दो ही बंदे लिए थे। आपने भी दो? मेरा 1600 का टाइमिंग आता है, 5:55 आता है, 50:55 आता है,
और इधर 6:30 टाइम था, फिर भी नहीं लिया। ज्यादातर अभी टाइमिंग का ही इशू चल रहा है यहाँ, टाइमिंग का ही इशू चल रहा है, बहुत गलत है, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, कुछ यहाँ पानी वानी भी, हमें 2 बजे से बैठे थे यहाँ, पानी वानी भी नहीं था, बहुत रिक्वेस्ट की, तब टैंकर आया उसमें से पानी मिला, पर वो क्या है कि जब पीने की तरस होती है तब तो कुछ मिलता नहीं है, डिहाइड्रेशन सबको हो रहा था, मेरे में 2 बंदे चक्कर खा के ऐसे ही गिर गए, और दौड़ते नहीं थे, दौड़ते है तो आर्मी वाले बीच में आ जाते हैं, खींच लेते, ये तो गलत बात है, कोई बंदे ऐसे है कि भाई लास्ट में अपना पूरा जोश लगाएगा, फिनिशिंग अच्छा लेगा तो उसको दौड़ने देना चाहिए, गलत बात है ये। आप भाई, हम तेलंगाना से समझते हैं, तो फिर आप में कितना लिए थे बंदे? आप भैया का, मेरा एक ही बैच है, ये भैया का पीछे मैं हूँ, ये भैया का पीछे 3 जन है, उसको 3 जन लिया, ये 4 मैं 5 मेरे को पकड़ के बाहर खींचा दिया, अब मैं स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ, उन लोग पीछे से पकड़ रहा है, तुम मत जाओ ऐसे कर रहे हैं। मेरा टाइमिंग गांव पे कर रहा था 5:15, 5:20, इधर 5:05 तक आता था। अच्छा अच्छा, वो ट्रैक भी अच्छा नहीं है, ट्रैक पूरा मेरा स्पाइक्स है, वो ऐसा पैर लगाए तो ना अंदर ही जा रहे, मतलब वो बल्लू है पूरा, हाँ, रेती बोलता ना, रेत, समझ गया। वो है बहुत अच्छा। यहाँ एंट्री टाइम डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा था? एंट्री टाइम 10वीं की मार्कशीट है, अपना डोमिसाइल है, आधार कार्ड है, वो चेक कर रहे थे, डॉक्यूमेंट में तो अच्छा उनका बिहेवियर था, डोमिसाइल नहीं तो रेसिडेंसी, तेलंगाना वाले को रेसिडेंसी, एसएससी मेमो, आधार कार्ड, 3 लेते डॉक्यूमेंट लेता है, इतना लेता उसमें कोई इश्यू नहीं है डॉक्यूमेंट में, नहीं पर वो स्टाफ भी अच्छा था। अच्छा अच्छा, पर सरकार को ये सुधारना चाहिए कि टाइम पूरा देना चाहिए, ग्राउंड अच्छा रखना चाहिए, ग्राउंड अच्छा रखेंगे तो टाइम भी कम देके चलेगा, पर ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ग्राउंड ऐसा था तो फिर कैसे दौड़ गया, और हमको तो पता भी नहीं चलता है कि टाइम कितना हुआ। मान लो कि वो लोगों ने बोला कि 5:45 का टाइम दे रहे हैं और वो 5 मिनट में बंद कर देते, तो हमको भी पता भी नहीं चलेगा, हम तो डेली दौड़ते है ना, लगाना चाहिए, हाथ में वॉच नहीं दे रहे कोई बात नहीं, पर एक डिस्प्ले लगाओ, बंदे को पता चले, आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर रहे हो, अपने हिसाब से बंद कर रहे हो, ये गलत बात है। और एक बात, इधर तो 5:45 टाइमिंग, उधर बोर्ड लगा दिया, ये गलत टाइम है, इधर ले रहे 4:50 to 5, इस बीच में कौन कौन आता उसके ही ले रहे, स्टॉप वॉच भी नहीं है, हम लोग को गाड़ी बीड़ी फोन भी कुछ भी नालो नहीं रहता, डिस्प्ले रहे तो पूरा देखेंगे ना, और दौड़ेंगे, स्प्रिंट लेंगे, ये नहीं, मतलब कहने का मतलब आप डिस्प्ले लगा रहता तो मैं जब बाहर हो गया तो मैं देख लेता भाई, खुद से मेरा नहीं था तो मैं बाहर हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे मेरे को खुद पता नहीं, वो भी नहीं पता, हम लोग तो ये बहुत रहा हमारा AOC ओपन रैली पुणे में, अच्छा उधर ओपन रैली में मैं फर्स्ट रहा था, किताब 5:10 में मारा था, इधर 5:10 भी आओ नहीं लेता, 4:50 to 5, इतना बीच में कौन कौन आता उसके लेता, हमारा बैच में 3 जन का लिया। और एक तो हम इतने दूर से आते, इतना खर्चा करके आते है, और फिर हमारा एक दोस्त था, ये इनका जूता भी चोरी हो गया था, तो इन्होंने भर्ती के लिए स्पेशल नया जूता खरीदा, अरे वाह, और ये रनिंग रेस अच्छा बनेगा तो लगा क्या होगा कि पूरी मेहनत से दौड़ना ही है, और इनका टाइम भी 5:30 के अंदर आता था, इन्होंने इसलिए खर्चा भी कर दिया, रहने का एक तो खर्चा अलग और जूते का खर्चा अलग, फिर भी मेहनत सब पानी में गया, खर्चा भी पानी में गया, आने का भी सब मेहनत पानी में गया। दूर से आते हैं तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में, हम सब लोग मीडियम परिवार से आते, गरीब परिवार, मीडियम परिवार के ही बंदे आते हैं इसमें, फौज में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नेता के लड़के आ रहे, सही बात, हम सब गरीब लोग आ रहे तो सबको सोचना चाहिए कि ये सब बजट वाले बजट के अंदर सब आ जाए, ये रहना खाने तो वो तो सब चलता है, पर ये सब खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, और यहाँ आके भी टाइमिंग नहीं देते, और ये सब ग्राउंड का ये सब थोड़ा वो बहुत हो जाता है, तो थोड़ा देख लो आप, देख लो। भाई का कहने का अर्थ है कि इतना दूर से मैंने मेहनत करके आया, यहाँ पर बाहर हो गए तो मेरा सारे कुछ बर्बाद हो गया, तो इनका कहना है कि फुल टाइम मिले, फुल टाइम मिले, दोपहर को फुल टाइम आएगा तो 12 बजे का कोई टाइम ही नहीं दुड़वाने का, पूरे रात को 8 घंटे बिताए हैं ग्राउंड पे, 8 घंटे ओके, हम 2 बजे से आ गए हैं, हमने 11 बजे 11:30 बजे हमने रनिंग किया है, आप दोपहर में घंटे हुए कितना घंटे, दोपहर में 12 बजे लगे तो स्टेमिना कहाँ रहता, कहाँ रहता, रनिंग बोले तो 6:00 पूरा कम्प्लीट होने का, आर्मी रनिंग बोले तो 6:00 कम्प्लीट होने में हो जाने का, दोपहर में करे तो कौन मारेगा, एनर्जी नहीं रहता, कैसा भी प्लेयर ले आओ,
ऐसे में नहीं दौड़ पाएंगे। और हम बंदे वहाँ नहीं खाया होता, रात को कम खाया होता, सुबह अच्छा रनिंग हो, पेट का कोई इश्यू ना हो, ठीक है। और ये लोग 12 बजे दौड़वाएंगे, वैसे डिहाइड्रेट हो जाएगा, बॉडी में कोई ताकत ही नहीं बचेगी। बात तो सही है कहने का मतलब। अच्छा, स्टूडेंट इतने इतने फेल हो रहे हैं, तो एक तो आपने बताया समय का कम अब इशू, बट और क्या इशू हो सकता है स्टूडेंट के साथ? धक्के मुक्की, पैर धरना, या फिर नींद का, या भूख का, ऐसे ही सब में क्या? हाँ, भूख का, नींद का, वो ग्राउंड में बिठा रखते हैं, ग्राउंड में खड़ वगैरह है, पानी वो जो झाकर होती है वो ठंड लगती है बच्चों को। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, कोई भी भर्ती का आएगा तो 4:50 to 5 टाइमिंग गिरे हो तो भर्ती का आओ, नहीं तो नहीं आओ। क्यों को बोलो, इधर 4:50 to 5 मारेगा तो ही लेता, नहीं तो नहीं लेता। अभी भी 4:30 तक 4:50 to 5 यही ना। वहाँ पर अभी भी रनिंग चालू है, आप देखो अभी कितने बजे है, अभी भी हमारे पीछे भी 2-3 बैठे हैं। 1 बज रहा है। मैं हम लोग रनिंग ट्रैक पे गए था, 12:42 के गए था, 12:42 दोपहर में, एनर्जी कहाँ रहता, कहाँ रहता। सही बात है। देखिए भाई साहब, ये हम गुजरात से आए, ये तेलंगाना से, कल कहीं और से बच्चे आएंगे, पूरे भारत से बच्चे आने वाले है, 4 से 16 तारीख तक है, और इतनी तारीख में ये सब लोग एक एक दो दो कोई लेंगे, तो ये देखिए कितनी लाइन साफी हो रही है सब। ये एक देश, ये एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश की बात है कि पूरे देश के बच्चे को ये तकलीफ होने वाली है। ये कल से, ये आज तो हमारा पहला दिन है, अभी कल से देखिए अब कितने बच्चों का आप इंटरव्यू ले लेगा। अच्छा, ये भी भाई साहब आपने ये बहुत अच्छा बताया और ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सीट कम है तो बच्चे कितना लेंगे, ये भी मेरा ओपन क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जवाब दो। सही है, बट उसने जो टाइम मेंशन किया है वो देना चाहिए, वो आपका कहना चाहिए। हाँ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, फिर वो बंदे उस टाइम में नहीं आते, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल आप निकालो बात, आप तो बोलो मत, कह दो कि भाई 5 मिनट के अंदर आना चाहिए, वो लिखो ना ऑफिसर ही जाहिरात, आप 5:30 to 5:45 करते हो, नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत। अगर वैकेंसी कम ही देनी है तो टाइम भी कम रखो, कोई बात नहीं, पर मेंशन तो करो। वैकेंसी कम है तो बोल दो कि 4:30 में रनिंग करना है, पर ऐसा भी नहीं है, वैकेंसी भी कम देनी है और टाइम भी कम देना है। ये टाइम में प्रॉब्लम है, कोई भी आएगा तो नहीं आता, ये टाइम नहीं हमारा, नहीं गिरे क्यों जाने, इसलिए टाइम मेंशन कर दिया, वो टाइम पे नहीं रखा। भाई साहब ने बहुत अच्छे से आप लोग को बताए हैं, और आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा देख लें, और आए तो यहाँ पे अपना व्यवस्था लेकर आए, यहाँ रहने उनका खाने पीने का बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए ORS वगैरह लेके आए, वरना ये लोग कुछ देंगे नहीं, यहाँ खाने का देंगे तो भाई पैसा ले लेंगे, कमाते भी ये लोग अंदर। चलो वड़ा पाव आ गए, दाबेली आ गई, तो उसके पैसे दो, वो तो लेंगे ही, क्योंकि वो अलग से उसका टीम रहता है, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि मुफ्त में खाना है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी बात फिर आपका भर्ती आए तो भर्ती देने आए, और आपका भाई साहब ने सारे कुछ बताया, इस पे आपका क्या रहा है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, भाई साहब का बात कैसा लगा, इन्होंने जो कुछ सरकार से मांग किया उस पे आपका क्या रहा है, जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कोई लिफाफे वाले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ओके।